लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आना शुरू हो गया है और हमारी YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको सबसे तेजी से न्यूज दे रहे हैं कि कौन सी चैनल पर कौन सा उम्मीदवार जीत चुका है, कौन सा उम्मीदवार पिछड़ रहा है। और इस समय हमारे पास एक सीट से एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है। उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट का नतीजा इस समय हमारे सामने आ रहा है। यहां पर सिने स्टार हेमा मालिनी एक बार फिर चुनाव जीत गई है। हेमा मालिनी 2014 में भी इसी सीट पर चुनाव जीती थी और 2019 में भी वो इस सीट पर चुनाव जीत गई है। उनके खिलाफ महेश पाठक, नरेंद्र रावत और साथ ही जगवीर सिंह चुनाव लड़ रहे थे। यानी हेमा मालिनी के वोट कटे, इस तरह से सभी किसी ने फील्डिंग लगाई थी, लेकिन हेमा मालिनी यहां पर चुनाव जीतने में कामयाब रही है। हेमा मालिनी का प्रचार करने के धर्मेंद्र भी आए थे और उन्होंने जिस फिल्मी अंदाज में यहां पर प्रचार किया था उसके सभी जगह पर चर्चाएं हुई थी। हेमा मालिनी ने अपना प्रचार करने के लिए दिहाड़ी मजदूर के साथ में वो खेत में गई थी और खेत खलिहान में उन्होंने काम किया था, ट्रैक्टर पर बैठी थी, ट्रैक्टर चलाया था। इतना ही नहीं, मथुरा के मंदिर में उन्होंने कई सारे काम किए हैं, महिलाओं के कई सारे काम किए हैं और इसी का फल हेमा मालिनी को मिलता हुआ इस समय हमें यहाँ पर दिख रहा है। हेमा मालिनी मथुरा सीट से चुनाव जीत गई है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खाते में एक और सीट का इजाफा हुआ है हेमा मालिनी के रूप में। जिस तरह से हमने आपको इस सीट के चुनाव के नतीजे सुनाए, ठीक इस तरह से हम लगभग तमाम सीटों के नतीजे आप तक सबसे तेजी से सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तुरंत जानकारी पाने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube/मयूर परीख, और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नई खबर हमारी चैनल पर अपलोड करते हैं आपको मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए और आप तेजी से जान सकें कि लोकसभा चुनाव 2019 में कौन जीत रहा है और कौन पिछड़ रहा है।